नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि अगर आप विंडो 10 यूज करते हैं और किसी भी रीजन से आपने विंडो को फॉर्मेट किया है या फिर उसको रीस्टोर किया है तो आपके सी ड्राइव में एक ओल्ड विंडो करके फोल्डर बन जाता है जो आपके हार्ड डिस्क का बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है। अगर हम विंडो 10 की बात करें तो लगभग 8 से 10 GB का स्पेस आपका अलॉट हो जाता है उस ओल्ड विंडो फोल्डर के नाते, जिसका कोई खास यूज नहीं होता। आपने नई विंडो डाल ली है तो फिर उसको रिस्टोर करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसे क्रिएट कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए ओल्ड विंडो फोल्डर बन चुका है, अगर मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो ये सिस्टम डिनाय का एरर आएगा, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है इसको डिलीट करने में तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। आपको सीरियल में आना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनर पे क्लिक करना है। जब आप डिस्क क्लीनर पे क्लिक करेंगे एक अलग पॉपअप अपीयर होगा, यहाँ पे आपको क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन होगा, आप देख रहे हैं प्रोसेस हो रहा है। इस कैलकुलेशन के बाद से एक नई विंडो, एक नया पॉपअप अपीयर होगा, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो हमने लिखा कि एक नई विंडो, नया पॉपअप अपीयर हो चुका है। बस आपको इसमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है सिस्टम क्रिएटेड विंडो एरर रिपोर्टिंग, थोड़ा इसको नीचे कीजिए तो आपको इसमें नजर आएगा प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन। ये देखिए लगभग 4 GB का, ठीक है ना। इस पर आप टिक लगा देना है आपको और उसके बाद से इसे ओके करना है एंड डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ज्यादा बड़े नाम का फाइल है तो थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में। तो पूरी तरह से हमारा डिलीट हो चुका है, आप देखते हैं देखेंगे कि वो फोल्डर खत्म हो चुका है, यानी विंडो फोल्डर जो था ओल्ड विंडो फोल्डर वो अपने आप खत्म हो चुका है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 GB का स्पेस इंक्रीज हो गया है, 4 GB का फोल्डर था वो खत्म हो गया और स्पेस यहाँ पे बढ़ गया। तो बड़े आसानी से आप इस तरह से ओल्ड विंडो फोल्डर हटा सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बनता है। फिर मिलूंगा कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।